हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेट पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, इसीलिए आज हम सर्कल का मतलब जानते हैं। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस और ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से, अब मैंने इंग्लिश तो बोल दी, अब इसका मतलब बता देता हूं कि ये सर्कल जो है वो कलेक्शन है किसका, पॉइंट्स का। ठीक है, कहां से, एक फिक्स पॉइंट से, और कितने डिस्टेंस तक, जो भी पॉइंट आप लेते चलोगे उसकी एक डिस्टेंस क्या होगी, हमारी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, और उस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। और जहां वो फिक्स पॉइंट है अपना, जहां से वो डिस्टेंस हम लेते हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर। ठीक है, अगली बात करते हैं हम टेंजेंट की। अब ये टेंजेंट क्या होता है, क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 10th है सर्कल, उसमें हम पढ़ेंगे कि एक टेंजेंट। अब नाम तो ले दिया टेंजेंट, अब इसका मतलब क्या होता है। अब कोई भी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जब एक रे सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, जब एक रे एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई निकलेगी, वो सर्कल की टेंजेंट कहलाएगी। एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, और सर्कल के अंदर सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट होती है, या इधर बना लो, या ऐसे बना लो, या ऐसे बना लो, जितनी मर्जी टेंजेंट बना लो, लेकिन जो पैरेलल टेंजेंट हम बनाएंगे वो सिर्फ दो ही होती है। और एक सर्कल के अंदर हम इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यहां से टेंजेंट निकाल दी, यहां से टेंजेंट निकाल दी। टेंजेंट वो होती है जो एक बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, वो हमारी टेंजेंट होती है। और वो जिस पॉइंट पे टच करती है, जिस पॉइंट पे वो रे सर्कल को टच करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये कितने पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट पे। अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट पे टच हो जाए, एक से ज्यादा तो क्या होगी, लेकिन दो पे टच हो सकती है। अगर ये दो पॉइंट पे टच होती है, सर्कल के बाउंड्री के दो पॉइंट पे टच होती है, तो वो अपनी रे या लाइन क्या कहलाएगी, सीकेंट, सॉरी उसको कहेंगे हम सीकेंट। उस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। उस लाइन को क्या कहेंगे, सीकेंट। टेंजेंट वो होती है जो एक पॉइंट पे टच करे, और जो दो पॉइंट पे टच करे उसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, अब मैंने बोला था टेंजेंट बताते हुए टाइम रे, क्या बोला मैंने, रे। तीन चीजें होती है, एक रे, दूसरी हमारी लाइन सेगमेंट, तीसरी हम बात कर लेते हैं लाइन की। ठीक है, तो अब हम पता कर लेते हैं कि ये रे क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट हो और वो लाइन आगे तक चलती जाती है उसे बोलते हैं हम रे। ए लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, दूसरी लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिस लाइन के दो एंड पॉइंट हो, जिस लाइन के दो एंड पॉइंट हो, यानी कि एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तीसरी बात, लाइन, लाइन किसे कहते हैं, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, जो दोनों तरफ बढ़ती हुई चली जाती है, जिसका कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होता, उसे बोलते हैं हम लाइन। ठीक है, अगली बात करते हैं ट्रायंगल के, सर्कल के बारे में। ये होता है सर्कल का सेंटर, ये क्या होती है, अपनी रेडियस। अगर रेडियस को मैं दूसरी बाउंड्री के साथ टच कर देता हूं सर्कल की, तो वो बन जाता है अपना डायमीटर, यानी कि रेडियस को मैं क्या लिख सकता हूं, डायमीटर का हाफ। ठीक है, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल। ठीक है, अब एक पॉइंट से जब आप बारी बार सर्कल के बाहर बार जाके उस पर वापिस आ जाते हैं, दोबारा बताता हूं इसको रख करके, अब तक हमने बात की है लाइन सेगमेंट की, रे की, टेंजेंट की, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की और सेकेंड की। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी सर्कल के बारे में। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से सर्कल के बाउंड्री तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस।
और इसी डिस्टेंस को अगर दूसरी साइड मिला देते हैं तो वो अपनी क्या बन जाती है, डायमीटर। वो पूरी डिस्टेंस अपना क्या बन जाता है, डायमीटर। यानी कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। ये बात समझ में आ गई। अब जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक टर्म आती है ना सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो क्या होता है भाई? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब होता है एक पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री का पूरा चक्कर काटना और उसी पॉइंट पे वापस आ जाना। यानी कि एक पॉइंट से घूमते 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 हुए उसी पॉइंट पे वापस आ जाना, वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्कल के एरिया की। सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमने ये तो लिख दिया पाई आर स्क्वायर, किसका एरिया, सर्कल का एरिया। कैसे पता चला, देखते हैं। इस सर्कल के अंदर मैं जितने मर्जी सर्कल बना सकता हूं ना। ठीक है, ये हमने सर्कल बनाए। अब ये जो सेंटर है, सेंटर से जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये भी अभी आपने अभी पढ़ी थी कि एक पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। अब ये भी छोटे वाले की रेडियस, ये उससे बढ़ेगी, फिर उससे बढ़ेगी, फिर उससे बढ़ेगी, ये सबसे बढ़ेगी रेडियस। जब आप हम इसको काटेंगे तो ये कैसा दिखेगा, एक मिनट। जब इस फिगर को हम खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो लाइन है ये सबसे बड़े वाले सर्कल की है, ये जो लाइन है सबसे बड़े वाले सर्कल की है। जब हम इसको यहां से काटेंगे तो ये जब पूरा खोलेंगे तो ये बाउंड्री ऐसे लंबी हो जाएगी। अब ये किसकी शेप का दिख रहा है हमें, एक ट्रायंगल की शेप का दिख रहा है। किसकी शेप का, ट्रायंगल की शेप का। जो ये जो यहां से लेकर यहां तक दूरी है वो अपनी कितनी है, आर है। वो कितनी है, आर। अब ये आर है, ये कैसे पता चला भाई? अब यहां से लेकर यहां तक यहां से आपने काटना शुरू किया है ना, तो ये जो अपनी क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस। जो ये वाली लेंथ है वो क्या होगी अपनी, वो होगी 2πr। अब ये भाई ये तो समझ आता है ये आर होगी, ये 2πr कैसे होगी? जब हम इस सर्कल को यहां से काटेंगे, जब ये बाहर वाला आएगा तो ये ऐसे लंबा हो गया। ठीक है, तो इसका जो ये पूरा सर्कमफ्रेंस है वो इतना आ गया। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। ये पूरा क्या है, ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अब हाफ का हाफ, बेस क्या है अपना 2πr, बेस क्या है 2πr, और जो हाइट अपनी वो क्या है, रेडियस। आर हाइट, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, πr² अब ये πr² सर्कल का एरिया होता है ना, होता है। ठीक है, ये सर्कल का एरिया πr² किससे आया, ट्रायंगल से। ट्रायंगल किससे बना है, सर्कल से। ट्रायंगल किससे बना है, सर्कल से। तो ये πr², इसका भी एरिया और इसका भी एरिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो अगला टॉपिक है अपनी, जो थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर, एक तो 10.1 थ्योरम, एक 10.2 थ्योरम। ये 10.2 और 10.1 थ्योरम क्या कहती है ये जान लेते हैं। देखिए थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2, मैंने नाम लिया थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या होती है, तीन चीजें होती है, एक होता है ऑक्सियम, एक होता है थ्योरम, और तीसरी चीज होती है हमारी कोलैरी। तीसरी चीज क्या होती है, कोलैरी। पहली बात करते हैं ऑक्सियम की, दूसरी बात करेंगे थ्योरम की, तीसरी बात करेंगे कोलैरी की। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ऑक्सियम क्या होता है, ऑक्सियम ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। ऑक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर प्रूफ की जरूरत हमें नहीं पड़ती। जैसे कि जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। इसको हमें सच मानने के लिए कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये तो अगली बात है थ्योरम। ये थ्योरम क्या होती है, थ्योरम वो होती है जिसको हम किससे प्रूव करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास टेंथ का हम पढ़ते हैं कि √2 इज इरेशनल। इसको प्रूव करो। इसको प्रूव कैसे करते हैं, उसको प्रूव करते हैं इक्वेशन के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन दिखा के। वैसे ही थ्योरम को हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखा के
रोंग प्रूव करते हैं या सही प्रूव करते हैं, जिस स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखा के प्रूव करते हैं उसे बोलते हैं थ्योरम। अब तीसरी बात आ जाती है कोलेरिटी। अब ये कोलेरी क्या होती है, ये तीनों चीजें आपस में इंटररिलेट करती है। ये थ्योरम किस पे टिकी है, कॉन्ट्राडिक्शन पे, ऑक्सियम जो बिना प्रूफ के टिके, और कोलेरी थ्योरम पे। कोलेरी वो चीज होती है जिसको हम थ्योरम के बेस पे प्रूव करते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं हमारी 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम क्या कहती है, इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया, हम पढ़ लेते हैं थ्योरम के बारे में। थ्योरम 10.1 बोलती है कि जब एक टेंजेंट सर्कल से एक पॉइंट पे टच होता है, वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां से भी ये रेडियस के साथ टच होगा, ये कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। ये हमारा पॉइंट कौन क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि थ्योरम को प्रूफ कैसे करती है, थ्योरम को प्रूफ हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखा के करते हैं। इनके क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज 10.2 के अंदर, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अब बात कर लेते हैं 10.1 थ्योरम के बारे में। ये क्या बोलती है कि जब एक टेंजेंट एक सर्कल को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टच करती है, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल वो बनाती है। दूसरी कहते हैं थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 बोलती है कि जो यहां से लेके जो टेंजेंट ड्रा होती है एक पॉइंट से, कि सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन होती है, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। लेंथ क्या होती है जी, इक्वल। वो लेंथ होती है टेंजेंट की इक्वल, और वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने बड़ी बड़ी बात कर ली है चैप्टर 10 के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।